subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. तर इथे जे होल्डिंग पॉइंट्स आहेत आणि त्याच्याने ज्या समस्या निर्माण होतात त्या होल्डिंग पॉइंट्सचं डिसिल्टिंग करणं आणि त्याच्यावरती महानगरपालिकेने लक्ष देणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. पाण्याचा निचरा होण्यासाठी त्याची मदत होते आणि म्हणून ते आम्ही कानावर घातलं. मला त्यांनी सांगितलेलं आहे, मी स्वतः निशा म्हैसकरांशी आत्ता इथनं बाहेर पडताच बोलीन आणि लवकरात लवकर करून घेण्याचा. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांची भेट घेतलेली आहे. यावेळी नवी मुंबईतील विविध प्रश्नांवर ही चर्चा करण्यात आली. यासोबत माजी नगरसेविका दिव्या गायकवाड यांनी देखील वाशी येथील होल्डिंग पॉईंटचा मुद्दा मांडलेला आहे. काय सांगाल मॅडम, पावसाळ्याला तरी देखील होल्डिंग पॉईंटची साफसफाई अजून झालेली नाही, तुम्ही मुद्दा हा मांडण्यात आलेला आहे, काय नेमकी प्रतिसाद हा मिळालेला आहे? मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि ये जो मैंग्रोव्स है वो पर्यावरण से निगड़ित है और आज हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है आव्हाड सर, वो आए थे कुछ इश्यूज़ को लेके नवी मुंबई के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे जो बांगर सर है उनके साथ. तो तभी मैंने उनको उनसे यही कहा कि होल्डिंग पॉइंट का एक विषय है जो मेरे ख्याल से होल्डिंग पॉइंट हमारे 6-7-8 में ही नहीं है जो मैन मेड है, लेकिन ये पूरे नवी मुंबई का विषय है होल्डिंग पॉइंट को लेके. सीबीडी में भी है और हर कोई इसके बारे में कोशिश कर रहा है अपनी अपनी तरह से. मैं जब कमिश्नर सर से बार बार मिली तो उनका अभी मुझे लगता है उनका इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो भी एनओसीज थी वो होल्डिंग पॉइंट्स को रिलेटेड वो सब एनओसीज उन्होंने रेडी करके मनीषा महेश्कर मैडम के पास भेजी हुई है. तो अभी ये प्रॉब्लम ऐसा है कि मनीषा महेश्कर मैडम जो है, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ये जो विषय है वो पटले पे लेना ज़रूरी है. और मैं पिछले टाइम जैसे मैं अजीत दादा सर से भी मिलने गई थी काफ़ी दफ़ा, उनसे भी बात की थी, उन्होंने मनीषा मैडम से बात की थी, मैं मनीषा मैडम से भी पिछले टाइम मिलने गई थी और उनको भी इसके बारे में डिटेल में बात की कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि इनको प्रॉब्लम्स पता नहीं होती है इन डिटेल. तो मैंने घरों में लोगों के पानी जाता है ये सब उनको, या दुकानों में जाता है तो ये, और नुकसान होता है ये, मैडम को मैंने बोला होल्डिंग पॉइंट ये मैन मेड है और पूरा भरा हुआ है, कहीं कहीं जगह आपको ये मैंग्रोव्स दिखाई देंगे. तो आपने अगर ये मुद्दा लिया मतलब पटले पे, तो लोगों का ये जो नवी मुंबई के लोगों का प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरे वार्ड से रिलेटेड नहीं है लेकिन पूरे नवी मुंबई का मुद्दा है, तो इसका हल निकलेगा. तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि अप्रैल में मैं ये मतलब पटले पे ये विषय लूँगी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं था. फिर वापस मैं मिलने गई थी, मैं अजीत दादा सर से भी मिली, आज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जब यहाँ पर विज़िट करने आए तो मैंने वापस उनके सामने ये विषय निकाला और ये भी कहा कि जैसे कहा कि अभी कमिश्नर सर से निगड़ित नहीं है, उन्होंने सब एनओसीज दिए. आपने देखा है कि कैबिनेट मिनिस्टर हमारे जो आव्हाड सर है, उन्होंने भी आश्वासन दिया, वो बोले कि मैं मनीषा महेश्कर मैडम से इस बारे में बात करूंगा और मैं देखूंगा कि जल्द से जल्द ये विषय पटले पे लिया जाए. कहने का मतलब ये है इसको लेके हर कोई ट्राई कर रहा है, इसमें कोई राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के बारे में सोचते, हर राजनीति लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं. इसके बारे में होल्डिंग पॉइंट को लेके मैंने स्टैंडिंग कमेटी में हाउस में भी काफ़ी दफ़ा आवाज़ उठाई थी, मेरे साथ और भी मेरे सहकारी थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी. मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि कोई नगर से माजी नगर सेवक बोले थे कि मैं सुसाइड करूंगा, उससे ऐसी सब बातें बोलते हैं तो उसको स्टोल किया जाता है. लेकिन वो मैं बोलती हूँ वो उनका फ्रस्ट्रेशन, वो जो कोई भी करता है वो आउट ऑफ ये जाके ऐसे नहीं बोलना, लेकिन वो करते हैं. हर कोई कोशिश किसके लिए कर रहा है, तो जनता के लिए कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और हर एक ने कोशिश करते, आज किधर ना किधर मुझे अभी भी मतलब ये लग रहा है कि आव्हाड सर जैसे बोले कि मैं, तो हर तरह से हर एक ने कोशिश करनी चाहिए. अभी मैं वापस आव्हाड सर को वापस जाके मिलूंगी और मेरी जो हम प्रयास है जो लोग जो जल्द से जल्द ये इस पर सोल्यूशन निकले और जो हमारा होल्डिंग पॉइंट है वो साफ़ हो जाए. जैसे हमारे कमिश्नर सर भी आज आपने देखा है बोले कि 90% नहीं है, पूरा भरा हुआ है.
तो उसको जल्द से जल्द साफ करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी ही सब कोशिश करके हमें हमारी नवी मुंबई को, राजनीति नहीं करते हुए नवी मुंबई को बचाना है। मैडम तुम्ही आता सांगितले राजनीतिक ह्याच्यामध्ये करू नका, आता पावसाळा जवळ आलेला आहे, तरी देखील होल्डिंग पॉइंट हे साफ झालेलं नाही। आता आज किंवा उद्या कधी पण पाऊस पडू शकतो आणि आज कॅबिनेट मंत्री स्वतः आले होते आणि कॅबिनेट मंत्र्यांनी स्वतः यामध्ये आता लक्ष घातलेलं आहे, मनीषा म्हैसकर मॅडमशी स्वतः ते बोलणार आहे, तर तुम्हाला काय वाटतं लवकरात लवकर यावर सोल्युशन निघेल का? हां, मैं हमेशा मॅडम एक पॉझिटिव्हिटी से ही, पेशन्स से और पॉझिटिव थॉट्स लेके ही मैं आगे जाती हूँ। कोशिश जब तक मैं उस मकाम पर नहीं पहुँचती कोशिश करती रहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है ये होगा। अभी वो बारिश से पहले होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पॉइंट पे हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन इतना है कि जनरेटर है वो हमने बहुत, मतलब लास्ट टाइम आपने देखा था कि बारिश बहुत जल्दी हुई थी, नेचर है कुछ बोल नहीं सकते। तो जनरेटर थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे लाइट गई थी तो उसकी वजह से वो पानी जमा हुआ था। राजनीति लोगों ने उसका बारे में बहुत इश्यूज़ उठाए थे, लेकिन करने दो उनको, उनका काम करने दो, हम हमारा काम अच्छा जो पॉजिटिविटी से करते रहेंगे। और ये टाइम हमने ये देखा कि वो जनरेटर में ही आ गए फॉलोअप करके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जल्द से जल्द हो जाएगा और इसका हल डेफिनेटली होगा। नक्कीच आपण पाहिलेलं आहे दिव्या गायकवाड मॅडमची आपण बातचीत केलेली आहे, यामध्ये कोणतंही राजकारण करू नका, कोशिश करणे वालों की कभी हार नहीं होती असं वाक्य देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट कुणाल जैतपालसह प्रियाज भानसे, रिपोर्ट नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बझिंग न्यूज।